वेलकम बैक टू अवर चैनल जीतू पवार। तो कैसे सब लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे भाई, सेफ होंगे। फिर एक और नई वीडियो लेके आ रहे हैं, पीछे देख ही लिया होगा भाई क्या सीन चल रहा है। तो आप सभी की भाई बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी 24 आवर चैलेंज करो। फिर भाई मैंने पाठक भाई से बात करी, अपना पूरा 2 BHK का एक घर मंगा लिया है यहीं पर अपना। तो भाई आज इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं भाई, वो चीज़ सारी बताते हैं अब। तो भाई जैसे हमारा चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, वो वीडियो देखने को मिलेगी आपको कल। मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, आप गाड़ी में अपने साथ क्या क्या कैरी करके चल सकते हो। एक 2 BHK का भाई ने पूरा होटल एक अपने साथ कैरी करके चल रहे हैं। और बात मिलाते हैं आपको पाठक भाई से। क्या हाल है पाठक भाई? बहुत बढ़िया। कैसा लगा भाई जी? भाई ये जगह हरियाणा में ना खोजे नहीं मिलेगी। अब मैं बता दूं, मैंने बताया नहीं कौन सी जगह है, अभी मत बताओ, राज को राज ही रहने दो। तो भाई आप ये लोकेशन देख लो, बहुत तगड़ी जगह है, आप देखोगे जब आपको पता लग जाएगी। और ये हमारे भाई कैंपिंग हो रही है, हमने स्टार्ट कर चुका है चैलेंज। हमें भाई अभी 3-4 घंटे हो गए हैं। ये अपनी भाई अपने बॉनफायर कर रखी है, अपना मैगी वैगी भाई सारा कुछ खाना है ना, सब सिस्टम यही है, A to Z है हमारा भाई। और भाई एक चीज मैं बता देता हूँ, ये 24 आवर्स चैलेंज तो है, पर 24 आवर्स चैलेंज इन हॉन्टेड प्लेस है भाई, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी भाई। है बहुत खतरनाक, पाठक भाई ने भाई कराई दिया, तो अब देखेंगे रात कैसे कटेगी। मेन बात तो ये है नहीं भाई, बिल्कुल। तो पाठक भाई आपने इसमें क्या क्या प्लान बना रखा है गाड़ी में, आप क्या क्या कैरी करके चलते हो अपने साथ इसमें? भाई कैंपिंग का सारा सामान है हमारे पास। और देखो हमारे चैनल का ना एक लोगो है, एक्सप्लोर इनक्रेडिबल इंडिया। तो पूरा इंडिया हमें घूमना है, पूरा इंडिया घूमना है। हाँ, और इसमें अपने पास 3% टेंट है ऊपर, जिसमें 3 आदमी आ सकते हैं, 7 फिट के। हाँ, 5x7 का डायमेंशन है इसका, ठीक है। और खाने पीने का सारा सामान है हमारे पास पैकिंग में। गाने बजाने के लिए अपने पास कारवां है, और वीडियो एडिट करने के लिए अपने पास मैकबुक है, और अपना फोन है वीडियो बनाने के लिए। और अपने पास तंदूर है अपना, तंदूर तो है ही। और भाई जैसे कैंपिंग वैंकिंग कोई करना चाहे तो पाठक भाई है ही जी यार? नहीं है यार, देखो आप क्या रिकमेंडेड करोगे, आपने अब इतने दिन हो गए आपको करते करते कैंपिंग, आपका क्या मानना है? देखो हरियाणा में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम कर रहे हो? एक बार करी है, बट डे टाइम की करी है। हाँ, अब ये नाइट टाइम की फर्स्ट टाइम है जो हरियाणा में हो रही है। मेरे को लगता है किसी ने नहीं करी होगी हरियाणा में, किसी ने कैंपिंग नहीं करी होगी पहाड़ पे। वैसे तो पहाड़ी नहीं है, अरावली का पहाड़ है जो हमारे पास, और हरियाणा में किसी ने नाइट टाइम में कैंपिंग नहीं करी। बोल सकते हरियाणा फर्स्ट टाइम हरियाणा में अरावली हिल्स पे हो रही है कैंपिंग। तो भाई देख लो, और कितनी तगड़ी होगी आप ये चीज समझ लेना, बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है। कल 2-3 दिन वीडियो आएंगी भाई, पाठक भाई के चैनल पे भी आएगी, अपने चैनल पे आएगी। ये पाठक भाई का चैनल है, जाओ भाई जाके एक बार भाई के चैनल को विजिट करो। और पाठक भाई इसमें और क्या क्या रखते, क्या प्लान वो है आपकी भाई? इसमें हमारे पास अभी हमने वो रख रखे हैं, कंबल वगैरह भी ले रखे हैं नाइट के लिए, क्योंकि ठंड रहेगी थोड़ी। ठंड रहेगी। अभी एक बार टेम्परेचर दिखाता हूँ आपको मैं, टेम्परेचर कितना हो रहा है। वैसे ज्यादा टेम्परेचर होगा नहीं वैसे तो। हाँ, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कर लो भाई। भाई 13 डिग्री है। हाँ, लोएस्ट 8 डिग्री जाएगा, तो इतना तो चलो हो जाएगा कम्बल अम्बल में ना। यार तो हमने इसमें -6 और -10 में भी करी है। अच्छा जी, मनाली में इस बार हमने -10 तक करी है, -20 में नहीं कर पाए हम, -10 तक हम सर्वाइव करके थे। कर तो -10। हाँ, तो जैसे भाई आप फिर लाइट वाइटिंग का बता रहे हो, फिर वो क्या जुगाड़ होता है फिर? यार लाइटिंग अभी लगाएंगे सारे में, उसके बाद तो लुक यह लगाएगी जो कि नेक्स्ट व्लॉग में वो तो सस्पेंस रहेगा। अब इसमें जो अपनी गाड़ी है, आप गाड़ी से घूमते हो हर जगह, कैंपिंग वैकिंग गाड़ी से, होटल की तो आपको जरूरत है नहीं? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पड़ती। बट कई बार क्या होता है कि जैसे स्नोफॉल हो गया, ज्यादा मौसम खराब हो गया आपके साथ, वो 4x4 के सीन हो गया ना कि गाड़ी आपके पास 4x4 नहीं है, 4x4 नहीं है एक ही चीज। हाँ, ये प्लान है अपना, या तो थार ले लेंगे। थार नहीं ली तो भाई इस 4x2 को एक्सचेंज करके 4x4 लेंगे, स्कॉर्पियो न्यू मॉडल वाली जो अभी आने वाली है। हाँ, उसी का प्लान है। तो भाई का वेट हो रहा है। मैं और एक बार आपको पाठक भाई की गाड़ी दिखा देता हूँ अंदर से क्या क्या भाई के साथ अपने कैरी करके चल रहे, वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता ही लग जाएगा क्या प्लानिंग है भाई हमारी सारी। ये भाई अपने कम्बल वम्बल नीचे तो शिफ्ट सोने का कोई प्लान है नहीं भाई, ऊपर ही सोएंगे इसमें जब है अपने पास तो सारा कुछ, क्योंकि हम 2 ही बंदे कर रहे हैं, भाई भी हैं जो अपने साथ, ये भी चले जाएंगे अभी नीचे। ये कुछ है भाई, एक और बात अलॉय व्हील्स की पूछते हैं भाई, जैसे अलॉय व्हील लग रहे होंगे आपको 17 इंचेस हैं बाहर हैं, अलॉय व्हील से कुछ फर्क पाठक भाई, अलॉय व्हील से पड़ा है कुछ फर्क? नहीं भाई, ये जो अलॉय व्हील है ना, मैंने 17 इंच के ही लगवाए हैं। 17 के ही लगवाए हैं। 17 के आए थे इसमें, 17 के ही आते हैं स्कॉर्पियो में, और थार में 18 के आते हैं। तो मैंने इसलिए साइज नहीं बढ़वाया, उसके बाद सस्पेंशन में दिक्कत आ जाती है। और फिर ये जो अपने अलॉय ना, एक बार दिखा दो, नियो व्हील्स, नियो है ये, ओरिजिनल कंपनी है भाई, इंडिया में इंडियन कंपनी, इसमें कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है।
तो गाड़ी के भाई साथ लुक भी देती भी है भाई अपने के लुक टेंट लगा के। लुक है, उसका नाम भी हमने ब्लैक बीस्ट रखा हुआ है। ब्लैक बीस्ट भाई ने गाड़ी का नाम भी रखा हुआ है, जैसे कोई हबीब भी रखता है भाई ने ब्लैक बीस्ट रखा हुआ है। तो गाड़ी पर जम रहा है भाई, जैसे लग रहा है भाई कुछ चीज है जेन वाली। हमारा जो टेंट है ना वो आर्मी कलर में है, और आर्मी कलर को हम सल्यूट करते हैं। सल्यूट तो है भाई, वो तो हमारा जो कुछ है आर्मी है ही जो मैन है। तो भाई टेंट भी आर्मी की टेंट रखी है। देखो भाई ने पेंट भी आर्मी कलर पर भाई ने आर्मी जॉइन कर नहीं रखी है पर बस सब कुछ आर्मी का फैन है भाई पूरे। बिल्कुल बिल्कुल दिल से भाई, और होना भी चाहिए भाई सभी भाइयों को, इंडियन आर्मी को सल्यूट है भाई, सल्यूट है भाई। तो भाई कैंपिंग की वीडियो हम आज शूट हो जाएगी, कल आपको देखने को मिल जाएगी पार्ट वन, और पार्ट टू आपको मिलेगा परसों। और भाई दो पार्ट में हो जाएगी क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और अपना भाई देखो कितना अच्छा प्यार दिखाओगे आप चैनल पे, उम्मीद करते हैं भाई आप अच्छा ही प्यार दिखाओगे। और कुछ बोलना चाहोगे पाटे भाई? बस भाई सब भाइयों का धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े रहना है, सर्वाइवल जुड़े रहना है। हाँ, क्योंकि ना यहाँ पे आवाजें बहुत आती हैं रात में भाई। और चलो इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं यार, सारी चीजें नहीं बताते नहीं भाई, एक कहानी है वो कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगी क्या कहानी, बहुत तगड़ी कहानी है भाई, अभी तक मैंने भी नहीं बताई होगी वो कहानी क्या है। और भाई हम इंस्टा पे लाइव आते रहे हैं, अगर आपको बोलो भाई कोई फेक वेक कर रहे हैं वो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहे हैं भाई, इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लो, और स्टोरी लगा रहे हैं भाई इंस्टाग्राम पे, आप स्टोरी जाके चेक कर लो, जीतू पवार आपको इंस्टाग्राम आई नीचे डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी, जाके भाई चेक करो एक बार इंस्टाग्राम पे भी, लाइव में मिलते रहेंगे आपसे बातचीत हो जाएगी, और लाइव में ऐड करके सभी भाइयों से बातचीत करते रहते हैं भाई हम। भाई अब ठंड लगने लगी है अब भाई, ठंड हो रही। तो भाई यही थी आज एक छोटी सी वीडियो आपको बताने के लिए कि भाई आपने कैंपिंग स्टार्ट करी, इस वजह से दो दिन हो गए आपको बोल रहे हैं वीडियो नहीं आई, तो इस वजह से आज आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करना। थैंक यू सो मच।